जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक फ्लोर प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इस फ्लोर प्लान में हमसे एक गलती हो गई। वो गलती क्या हुई, ये जो बेडरूम है इसका साइज हमने ज्यादा बना दिया है। इसका विड्थ तो ठीक रखा है हमने 300, बट जो हाइट थी, लेंथ थी, वो 512 लिखी हुई है। ये एक्चुअल में कम रखनी थी हमें, हमें टोटल 512 लेनी थी। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल थी वो 512 लेनी थी। कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाती हैं कि हम ऑटोकैड में काम कर रहे होते हैं, ड्राइंग बनाई हमने काफी देर मेहनत करके, बट ड्राइंग बनने के बाद उसमें कुछ हमसे गलती हो गई, एरर्स हो गई। अब उनको मॉडिफाई करना ज्यादा बेटर चॉइस है या दोबारा से नया प्लान बनाना बेटर चॉइस है ना? सो मॉडिफिकेशन के लिए ही हम टूल पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेच। स्ट्रेच की शॉर्टकट की होती है एस एंटर। पहले मैं एक सिंपल से ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके बताता हूँ, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पे उसी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर किया, 100 बाय 50 साइज का बन गया। अब जब ये हमने बना दिया, मैंने इसके डायमेंशन भी आप लोग को दिखा देता हूँ। DLI एंटर किया, 100 एंड ये 50 हो गया तैयार। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, सपोज हमें जो ये बनाना था, शेप बनाना था, हमें ये 100 बाय 50 का नहीं बनाना था, हमें बनाना था 120 बाय 50 mm का, सेंटीमीटर का। और गलती से हमने कितने का बना दिया, 100 सेंटीमीटर का बना दिया लेंथ में। तो अब मुझे इसको मॉडिफाई करना होगा। सो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड का यूज करेंगे। स्ट्रेच की शॉर्टकट एस एंटर। तो हमने एस एंटर किया। अब एस एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि क्लिक करके भी सेलेक्ट हो सकता है। मैंने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, पहला पॉइंट बताया किधर की तरफ बढ़ाना है, राइट साइड, कितना बढ़ाना है, 20। तो मैंने 20 लिखा और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो 20 कुछ चेंज तो हुआ, लेकिन साइज चेंज नहीं हुआ। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वही पूरा 20 मूव हो गया। देखो ऐसे ही अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ, वापस से मैंने सेलेक्ट किया, मैं 100 का स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से पकड़ा आगे की तरफ रखा, वैल्यू दी 100। स्ट्रेच अगर होता, अगर ये स्ट्रेच होता तो 100 से आप कितना बढ़ गया होता, ये 200 हो गया होता है ना, बट ये 200 नहीं हो रहा, ये पूरा शेप ही मूव होके आगे आ गया। आया नहीं आया, बट आना चाहिए था क्या? स्ट्रेच में तो स्ट्रेच करना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था। स्ट्रेच से क्या कर सकते हो आप, शेप को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन। डायरेक्ट स्ट्रेच अभी आप देखोगे, जैसे मैं एस एंटर करके क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो स्ट्रेच काम नहीं कर रहा, बल्कि स्ट्रेच किसका काम कर रहा है, मूव का कर रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो ऐसे में वापस से एस एंटर किया, अब सेलेक्शन का एक क्लिक करके होता है, यानी कि क्लिक करके काम प्रॉपर नहीं हो रहा। दूसरा होता है कि विंडो से सेलेक्ट किया जाए। विंडो कैसे, अगर आप लेफ्ट से राइट साइड आओगे तो ब्लू कलर विंडो आती है, राइट से लेफ्ट जाओगे तो ग्रीन विंडो आती है। अगर मैं इसको ब्लू विंडो से सेलेक्ट करता हूं, ब्लू विंडो से कब तक सेलेक्ट नहीं हुआ, जब तक पूरा नहीं आ जाए, क्योंकि ब्लू विंडो फुल विंडो सेलेक्शन होता है। पूरा फिर से सेलेक्ट हो गया। अब फिर से आप देखो, स्ट्रेच कमांड तो लगा रहा हूं मैं, लेकिन स्ट्रेच की जगह पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। स्ट्रेच कमांड अगर आपको यूज करनी है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्ट्रेच कमांड के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा ग्रीन विंडो से ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग विंडो, यानी कि ग्रीन विंडो। ठीक है, तो हमें इसको सेलेक्ट भी किससे करना होगा, ग्रीन विंडो से। एस एंटर किया, ठीक है। अब ग्रीन विंडो से भी स्ट्रेच करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ही है, कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए किस चीज को हम खींचना चाह रहे हैं। जैसे अगर ये स्ट्रेच होगा तो ये वाला जो सेगमेंट है यही तो खींच के आगे जाएगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रेच करते टाइम एस एंटर किया, ठीक, जो ग्रीन विंडो बनानी है वो सिर्फ उसी सेगमेंट को सेलेक्ट करें जिस सेगमेंट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। अब वो कैसे, राइट साइड पहले क्लिक किया, लेफ्ट की तरफ आए। अब अगर इतने को सेलेक्ट करता हूं तो इतने में जो विंडो बन रही है वो किस सेगमेंट को सेलेक्ट कर रही है, बॉटम वाले सेगमेंट को, बॉटम राइट सेगमेंट को। अगर इतने को मैं स्ट्रेच सेलेक्ट करके स्ट्रेच करता हूं, तो देखो स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा, अब हो रहा है, लेकिन जो शेप था वो अब रेक्टेंगुलर नहीं रह रहा,
है ना, स्ट्रेच तो हो रहा है, हमें जो स्ट्रेच करना है हमें दोनों ही सेगमेंट खींचने होंगे, तो हमें ऊपर भी स्ट्रेच करना होगा और नीचे भी करना होगा। ऐसे में जब स्ट्रेच करेंगे हम, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है हमें, तो हमें दोनों सिलेक्शन को एक बार में लेना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से ऊपर वाले को अलग से स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है ऐसा एंटर किया हमने, इस टाइप की ग्रीन विंडो बनाई। अगर ग्रीन विंडो भी आपने कंप्लीट बना दी तो भी स्ट्रेच जो होगा वो मूव का काम करेगा, तो भी मुझे हाफ से है ना। इसीलिए स्ट्रेच करते टाइम हमें क्या करना है, पार्शियल सिलेक्शन करना है, किस चीज को सेलेक्ट करना है, जिस चीज में हम चेंज चाह रहे हैं। तो मैंने ऐसे एंटर किया, वापस से ग्रीन विंडो बनाई, पहला क्लिक राइट साइड किया, सेकंड क्लिक लेफ्ट साइड किया, लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। इस तरीके से पार्शियल सेलेक्ट किया। ऐसे पार्शियल में क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके कॉर्नर है वो आ जाए प्रॉपर, ठीक है, कॉर्नर जिन पे हमें चेंज चाहिए वो आ जाए हमारे। अगर आप देखोगे तो इसमें चार कॉर्नर है, दो लेफ्ट साइड है, दो राइट साइड है, हमें राइट साइड वाले ही सेगमेंट को खींचना था, तो राइट साइड में साइड के जो दोनों सर एक सेगमेंट बार फिर से कॉर्नर है बताइएगा। जी, हम एस एंटर कर रहे हैं, एस एंटर किया। एस एंटर करने के बाद मैंने ग्रीन विंडो से सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लिक करके सेलेक्ट करोगे तो देखो स्ट्रेच तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रेच ना होके मूव हो रहा है पर्टिकुलरली, वो जैसे मूव में होता है, हमने एस एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पिक किया, जितनी डिस्टेंस पे चाहिए उतनी वैल्यू दी और एंटर कर दिया, तो इसका साइज तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, मूव हो गया। हम कमांड दे रहे हैं स्ट्रेच, तो स्ट्रेच में तो साइज इंक्रीज हो भी होना चाहिए था, और अगर कहीं रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस भी होना चाहिए था, वो चीज नहीं हो पा रही अभी, तो उस चीज को अगर करना है तो एस एंटर किया। किससे करना होगा सिलेक्शन, ग्रीन विंडो से, किसको, कॉर्नर को, जिस कॉर्नर पे आप चेंज चाह रहे हो, तो मुझे यही दोनों कॉर्नर को ही तो खींचना था आगे, तो ग्रीन विंडो से इन्हीं दोनों कॉर्नर को सेलेक्ट किया हमने। देखो सेलेक्ट हो गया। इस सिलेक्शन में एक चीज और देख सकते हो आप, जो वर्टिकल लाइन है ग्रीन विंडो के अंदर, देखो एक वर्टिकल लाइन आ रही होगी, एक ही तो वर्टिकल लाइन आ रही है, ये वाली वर्टिकल लाइन इस ग्रीन विंडो के अंदर आ रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, कंप्लीट नहीं आ रही, वही हाफ सेगमेंट आ रहे हैं, है ना। तो ग्रीन विंडो के अंदर जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट आ जाता है वो तो मूव होगा, और जो पार्शियल सिलेक्शन में जाएगा वही स्ट्रेच होगा, यानी कि वही बढ़ेगा या वही घटेगा। देखो आप, मैंने ग्रीन विंडो से इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, एंटर करने के बाद वापस से पॉइंट बताया। अब देखो हो रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। अगर मैंने ऑर्थो को ऑफ किया तो रैंडम बढ़ जाएगा ऊपर नीचे। इसमें भी बढ़ते में एक चीज देख नोटिस कर सकते हो आप, ध्यान से देखो कि जो वर्टिकल लाइन है उसका साइज नहीं बदल रहा, वो सिर्फ उठ के मूव हो जा रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसी के ही साइज में चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। और तो कौन कर लिया मैंने, कितना बढ़ाना था, 120 करना था, 20 बढ़ाना था, तो जितना बढ़ाना है उतना लिखा और एंटर कर दिया। आया समझ में। अब मैं चाहता हूं आप मुझे ये बताओ, ये जो इसकी विड्थ है कितनी है, 50। मैं चाहता हूं ये विड्थ 60 हो जाए। वर्टिकल लाइन स्ट्रेच करेंगे, बताइए कैसे स्ट्रेच करेंगे, इधर साइड में कमांड बताइए, एस एंटर किया, दोनों विंडो से सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन विंडो से, ग्रीन विंडो से, ब्लू नहीं, ग्रीन विंडो से, ब्लू तो ऐसे सेलेक्ट कर ही नहीं पाएगी, वो सिर्फ डायमेंशन को कर रही है, देखो है ना। इधर साइड से क्लिक किया, ऐसे तो ब्लू विंडो से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन सेलेक्ट हो रही है क्या, कर ही नहीं नहीं पाएगी वो, है ना। अब मुझे इसको नीचे खींचना है, किसको, ये और ये भी नीचे खींचना चाहिए, तो दोनों कॉर्नर को विंडो के अंदर लेना होगा। तो क्या करेंगे, एस एंटर किया, किधर क्लिक करें पहला, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हाँ ग्रीन विंडो से करना है, ग्रीन विंडो किधर से किधर बनती है, राइट राइट से लेफ्ट, राइट तो से पहले लेफ्ट, राइट साइड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे अगर ग्रीन विंडो बनाऊंगा तो या तो वो इधर ऐसे आएगी ऐसे आएगी, सही है क्या। हाँ नो सर, बिल्कुल कॉर्नर से बनाएंगे हाँ, ताकि तो क्योंकि दोनों कॉर्नर लेने हैं तो एक ही बार में ले लेते हैं, तो इधर तरफ कॉर्नर से लिया, अभी एक कॉर्नर आ रहा है, ऐसे में दोनों कॉर्नर आ गए, सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, लेकिन ये सिलेक्शन में तो पूरा दिखा रहा है सर, वो दिखा पूरा रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, जो ग्रीन विंडो के अंदर आ रहा है सिर्फ उसी पे स्ट्रेच हो रहा है, ध्यान से देखो नोटिस करो। अब इस विंडो में हम ध्यान से नोटिस कर सकते हैं कि जो बॉटम की हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो कंप्लीट आ रही है, जो वर्टिकल की लाइनें हैं वो आधी आधी आ रही है ना। तो अगर ऐसे में मैं स्ट्रेच करता हूँ, सेलेक्ट करके एंटर किया, मैंने पॉइंट दिया और मैं खींच रहा हूँ, तो आप देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो गया,
कितना बढ़ाना था हमें? 10 बढ़ाना था, 10 लिख के एंटर कर दिया। देखो हो गया सही? बताओ समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम अपने ड्राइंग में। जैसे ये हमारी ड्राइंग है, इस रूम के साइज को छोटा करना है मुझे। कितना छोटा करना है पहले वो चेक करना होगा। कितना छोटा करना है भाई? ये टोटल 672 है और इसको कितना चाहिए? 512 चाहिए। हम ड्राइंग में देख लेते हैं, सभी के पास होगी। कितनी हाइट चाहिए? 512। तो 672 में से 512 घटा दिए, कितना बच रहा है? 160। तो ये जो रूम की बॉटम वाली वॉल है ये खींच के ऊपर रखनी है हमें। कितना? 160 रखना है। क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, शॉर्टकट एस एंटर। अब ये वॉल ही तो खींचेगी ऊपर जाएगी, तो ये वॉल तो खींच के ऊपर जानी है, ये कंप्लीट विंडो के अंदर आ जानी चाहिए, है ना? या नहीं? Yes, मैंने पहला क्लिक यहाँ किया, सेकंड क्लिक मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो ठीक है, सही है? सही है या नहीं? No, sir, तो पूरा वॉल ले लिया। अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेच तो हो रहा है, रूम का साइज छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा? लेकिन नीचे वाले रूम का साइज वही है, बढ़ जाएगा। क्योंकि वही वॉल खींच के ऊपर जा रही है, तो मुझे इनको भी तो खींच के ऊपर लेके जाना होगा। तो ऐसे में एस एंटर करने के बाद मैं विंडो का सिलेक्शन कहां से कर रहा हूं? यहां से। ठीक है। यहां से करने में क्या होगा, ये पूरा जो रूम है ये भी खींच के ऊपर चला जाएगा। एंटर किया, पॉइंट बताया, यहाँ से किधर जाना है? ऊपर। कितना? 160 लिख के एंटर कर दिया। देखो 512 आ गया साइज। इस रूम का साइज क्या हो गया? 372 352 आ गया ना। सो इस तरीके से हम स्ट्रेच अप्लाई कर सकते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर। बताओ समझ में आया? स्ट्रेच कमांड का बहुत यूज होगा आपका, क्योंकि ज्यादातर ऑटोकैड में काम जो करना होता है ड्राफ्टमैन को, वो मॉडिफिकेशन का ही करना होता है। कोई साइज दिया हुआ है 500, उसको आधार करना होगा। ड्राइंग दिखाए थे नजर जी, वही हमको वही मॉडिफिकेशन करने बोला। ठीक है, तो बताओ स्ट्रेच समझ में? सारा फंडा ही स्ट्रेच का है ड्राइंग में। जब आप किसी जब आप जाओगे कंपनी वगैरह में, क्योंकि ऑटोकैड पे जो काम होता है वो दरअसल होता है शॉप ड्राइंग बनाने का या एस बिल्ट ड्राइंग बनाने का। ठीक है, डिज़ाइन कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ हो जाती है, उसके बाद ड्राइंग बना दी जाती है। अब कई बार प्रोजेक्ट में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लो जहाँ पे हमने सोचा कि हम पोल खड़ा कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ नदी आ रही हो, या हो सकता है वहाँ पर कोई हमारे साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे या पीछे, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो हमें उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। या मान लो मैंने घर रूम बनाया, रूम में मैंने लाइट्स लगाई, अब पता चला जहाँ पे मैं लाइट दे रहा हूँ वहाँ पे बीम आ रहा है, तो मैं वहाँ पे लाइट नहीं दे पा रहा क्योंकि बीम आ गया, या फैन नहीं दे पा रहा, तो हमें उसको आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करना पड़ेगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे? स्ट्रेच कमांड का ही यूज करेंगे। ठीक है, सो बताइए यहाँ तक क्लियर है?